गाना रोका। और आज हम आप सब से कुछ शेयर करब कि जीवन में बहुत सारा आंधी आया, तूफान आया, आज तक आपका पवन कभी किसी को पलट के जवाब नहीं दिया, ना देता है और ना ही कभी देगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि पवन सिंह को बोलने नहीं आता है, पवन सिंह को गरजने नहीं आता है, आवेला भैया, लेकिन हर चीज के एगो सिस्टम होके के चाहिए, तरीका होके के चाहिए। आप मैं आज तक जवाब दिया नहीं और दूंगा भी नहीं, लेकिन अपने समाज में कुछ ऐसे बंदे हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जो भोजपुरी के इमेज को, मतलब क्या बोलूं, मेरे पास कोई शब्द ही नहीं है, मतलब गंध कर रहे हैं, गंध कर चुके हैं और गंध कर दिए हैं। अरे यार, हम कलाकार हैं, हमारे लिए सब भगवान हैं, कोई एक नहीं, हमारे लिए सब भगवान हैं। हम कलाकार के लिए जाति मायने नहीं रखता है कि हम पवन सिंह हैं, फलाना जी हैं, फलाना जी क्या है, फलाना जी क्या है, फलाना जी क्या है। अरे नहीं भैया, इन कुछ बंदों में से एक बंदा है, बहुत सारा आंधी तूफान आया, आज तक मैंने किसी को जवाब भी नहीं दिया और ना ही किसी का नाम लिया और ना ही इसका भी अभी नाम लूंगा, इसका नाम नहीं ले सकता, मैं किसी का नाम ही नहीं ले सकता, ठीक ना। लेकिन इतना जरूर बोलूंगा, मुझे जहां तक आशा है, विश्व आशा है कि वो इस लाइव को भी देख रहा होगा, बाबू मत बांटो यार, एकदम मतलब 1.5-2 साल से ना, मतलब लग रहा है कि उसका यही मिशन, यही मुद्दा है कि पवन सिंह के छवि को, पवन सिंह के इमेज को, मतलब कितना गिरा दें, ये न्यूज बनाना मजबूरी हो गया है, ये हो गया है, ये बोलना जरूरी हो। अरे यार, हम लोग मेहनत करते हैं और मेहनत हमारा जब समाज में निकलता है, 24 24 घंटा हम लोग जगते हैं, वो किसी भी कंपनी के मालिक हो, वो चाहे, मैं एक कंपनी का नाम नहीं ले रहा हूं, किसी भी कंपनी का मालिक हो, वो चाहता है दिल लगा के कि हम ऐसा काम करें कि हमारे काम को दुनिया प्रशंसा करे। एक कलाकार चाहता है, सिर्फ पवन सिंह ही नहीं, हर कलाकार चाहता है कि हम मेहनत करें तो हमारे मेहनत, हमारा मेहनत जब हमारे ऑडियंस के सामने जाए तो ऑडियंस उसको एक्सेप्ट करे हंस के, तो ये कलाकार की एक यही सबसे बड़ी संपत्ति होती है। किसी को नीचा दिखाना, किसी को भगवान बना देना, इसका ठीका आप उठाए हो बाबू, 2 साल से तुमने हद कर दिया है, इतना कुरेद रहे हो ना, मैं रिएक्शन नहीं देता हूं, ना ही कभी दूंगा, लेकिन इतना कुरेद रहे हो ना कि अब हद हो रहा है, मत कुरेदो। हाथ जोड़ के विनती है कि भोजपुरी समाज को, भोजपुरी दुनिया को, भोजपुरी संसार को जातिवाद में कन्वर्ट करके मत बिखेरो। जिसके तुम फैन हो उसका बड़ाई करो ना, जम के तारीफ करो, खूब प्रशंसा करो, भगवान करे कि सबसे आगे तुम बढ़ो, जिसका फैन हो खूब नाम कमाओ, जिसके फैन हो वो भी बहुत बड़ा स्टार बने, इससे पवन सिंह को जलन नहीं होता है। अरे यार, हमारे मार्केट में जितने नए स्टार आएंगे, हमारी इंडस्ट्री और ग्रोथ करेगी और बढ़ेगी, हमारा हमारा और नाम होगा। किसी के आने से, किसी के जाने से कोई फ्लॉप नहीं होता है बाबू, जिसको जितना दिन भगवान ने लिखा है कि इतना दिन इसको ये बन के रहना है, उसको कोई डिगा नहीं सकता है। माफी चाहता हूं, मुझे, मैं ये सब बातें नहीं करता हूं, ना कभी किया हूं, लेकिन इस बंदे ने हद कर दिया है। उसे विनती है, जिसके फैन हो उसका खूब बड़ाई करो, जम के तारीफ करो, बिल्कुल करना चाहिए, और हमारे भी जितने फैन हैं उनसे भी मेरा हाथ जोड़ के विनती है कि बाबू, जिसका काम अच्छा लगे बिल्कुल
उसका तारीफ करिए, किसी का शिकायत मत करिए। भगवान सबको आगे बढ़ाएं, सबको मस्त रखें अपने अपने काम में। चलिए, ये मैटर हो गया, ये मैं बोलता नहीं, नहीं, आपके फैन बोलते भी लेकिन नहीं हैं। और हमारे फैन मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा बोलते भी नहीं है, किसी का शिकायत नहीं करते नहीं, हैं। वो जहां तो तक मैंने, ऐसा नहीं है कि मैं कुछ देखता नहीं हूं सब बाबू, देखता हूँ। सब देखता हूं, सब सुनता हूं, बट बोलता नहीं हूं। इसका मतलब ये नहीं कि पवन सिंह को बोलने नहीं आता है ना, ध्यान रखना, ठीक ना। ज्यादा नहीं बोलूंगा, जिसके फैन हो उसका तारीफ करो। भगवान सबको आगे बढ़ाए, सबको मस्त रखें, एकदम सब कुछ छाए छाए रहे, आप भी छाए रहो, बट किसी को भगवान मत बनाओ। आपके पास क्या अधिकार है किसी को भगवान बनाना या किसी को नीचा दिखाना? आप होते कौन हो? आपको किसने अधिकार दिया है? चलिए ठीक है, पर रिक्वेस्ट है, मत कुरे दो। किसी चीज का डिसीजन लेने वाला और डिसीजन लेके मार्केट में पब्लिक को बताना सुनाना कि हम क्या हैं, हम क्या हैं, तो मेरे पास ये सबूत है, वो सबूत है। अब ज्यादा बोलब ना बाबू, बट समझ लिया, ठीक ना। मत कुरेदा, पवन सिंह नाम है, इसे ज्यादा ना बोलब। अब पवन सिंह को पवन सिंह बनाने वाला हमारा जनता है, ठीक ना। हमसे हमार माई प्यार कर लीजिए, हमार बहन प्यार कर लीजिए, हमार चाची, हमार फूआ, हमार भाई, हमार संगतिया। हम भोजपुरी भाषा जहां भी बोला जाता है, देखा जाता है, सुना जाता है, मैं समझता हूं कि मेरा परिवार है, हम लोग एक घर के हैं, एक समाज के हैं। इंसान को कर्म ही बड़ा और छोटा बनाता है। फलाना के आगे क्या लगने से, फलाना के आगे क्या लगने से कोई बड़ा छोटा नहीं होता है, इंसान का कर्म बड़ा होना चाहिए। चलिए छोड़िए ये सब बात। पीयूष पांडे जी, प्रदीप शाह जी, फुलेंदर गिरी जी, नीरज कुमार पांडे जी, हमारे जितने भाई हमको देख रहे हैं, सबको मेरा दिल से प्रणाम। और आप लोग आशीर्वाद अपने भाई पे गाना 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 ऐसे ही बनाए रखिए, बहुत और अच्छा लग रहा हमारे है। साथ में आज हमारे परम मित्र कौशलेंद्र भैया हैं, इनके पिताजी को अभी पद्म श्री पद्म श्री अवार्ड मिला है। कृषि में डबल बेनिफिट, बनारस के रहने वाले, ₹1,000 तक जीरो इंटरेस्ट पर। वाराणसी के लाल, उनको कहा जाता है कि काशी के लाल, देश के किसानों के शान, श्री चंद्रशेखर सिंह जी को कृषि में उत्कृष्ट कार्य के लिए भारत सरकार के द्वारा पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया है। उसके लिए मैं पूरे भारत सरकार का सहृदय आभार और धन्यवाद देता हूँ। और बहुत ही जल्द पवन सिंह जी हमारे वसुंधरा फार्म हाउस पर आकर पिताजी के द्वारा किए जा रहे कृषि कार्य को देखेंगे, और वहाँ भी आप लोगों के बीच में लाइव आएंगे या फोटो लेके आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। बहुत पक्का बहुत पक्का, धन्यवाद। थैंक यू भैया। ये हमारे संतोष जी हैं, हमारे भाई हैं, हमारे दोस्त हैं। जितनी भी बातें पवन जी ने बोली है, मुझे लगता है कि इतना पेशेंस रखने वाला इंसान मैंने अपने जीवन में कभी नहीं देखा है। वाकई में मैं रिक्वेस्ट करूँगा, पर्सनली रिक्वेस्ट करूँगा, पिछले 15-20 साल से हम लोग भी जुड़े हैं पवन जी से, मैं सबसे रिक्वेस्ट करूँगा कि जो कुछ भी ये आप लोग कर रहे हो, ये आप लोगों के लिए भी ठीक नहीं है। आप तो लोग नहीं कर रहे हो, हमारे लोग, हमारे समाज में कुछ कुछ ऐसे गिने चुने दो चार बंदे हैं। उन्हीं की बात मैं कर रहा हूँ कि जो कुछ लोग हैं, चुनिंदा लोग हैं जो ये काम कर रहे हैं, उनके लिए भी अच्छा नहीं है। और दूसरी चीज़, आप हाथ जोड़ के पवन जी ने भी कहा है, हम लोग भी कहते हैं कि प्लीज़ भोजपुरी समाज को, भोजपुरी कलाकारों को बांटें। अब ये पवन जी का संस्कार है, हम आपके सामने हाथ जोड़ रहे हैं, ऐसा मत करिए कि सारा समाज, भोजपुरी समाज बट जाए और आने वाले समय में हमारे भाषा का लोग मजाक बनाए और इससे भी बुरा स्थिति हम लोग को झेलना पड़े। इसलिए मैं अपने तरफ से भी और पवन जी की तरफ से भी खास करके, कि पवन जी के धैर्य का और पेशेंस का तो हम लोग कायल हैं, हम लोग जानते हैं कितना पेशा, आज तक किसी को जवाब दिया भी नहीं और ना ही भविष्य में कभी किसी को जवाब देंगे। लेकिन इतना भी अति मत कर दो, इतना भी कुरतने का काम मत करो कि आप अपना भी नुकसान कर लो और हमारा भी नुकसान हो जाए, ऐसा हम आपसे उम्मीद करते हैं। नहीं, क्या है देखो, जे जोने लाइन में बात, सब कोई पैसा कमाए, लेकिन पैसा कमाओ बेटा इज्जत के साथ। पैसा कोई भी कमा सकता है, वो वर्ड मैं यूज नहीं कर सकता,
वो हमारे संस्कार में ही नहीं है कि मैं पब्लिकली किसी वर्ड को मतलब यूज करूं। पैसा कोई भी कमा सकता है, कमाओ पैसा, लेकिन बाबू प्रतिष्ठा का पैसा कमाओ, इज्जत का पैसा कमाओ। ये छोटा सा चैनल खोल के जो यूट्यूब चैनल खोल लिए हो, और मान लो यूट्यूब चैनल खोलने वाला तो पैसा तो आते हो, लेकिन बाबू केहू के भगवान मत बनाओ और केहू के नीचा मत दिखाओ। इसका अधिकार आपको नहीं है, ठीक है? जो हमसे गलती हुई होगी तो आप भी हमको क्षमा करिएगा, और हमारे जितने भाई हमको देख रहे होंगे, अगर हम कुछ ज़्यादा बोल रहे हो कब, तो भैया हाथ जोड़ के विनती, आप लोग माइंड मत करिए जाए, हम वो आदमी है ना ही, कितना चुप रहे। कोई बात नहीं, हर कोई खुश रहे। बहुत सुंदर बाबू, लव यू मेरा भाई, सबको प्रणाम, सबको मेरे तरफ से प्यार। तो सिलेंदर भैया पास में है, ये किसी ने लिखा है, प्रणाम। हो जाए बवाल, हो जाए बवाल, इस बेनी गाल जो बन कहीं लाले लाल, देखने की निन्या ना हो जाए बवाल, चल के घिरा और चिंपा जो रोता किस पर रोता, जबरी जी जा रानी जानी रंगावा मोर लहंगावा मेरा भाई। अरे हमारा मोबाइल में नंबर नहीं के दिक्कत, सॉरी ब्रदर। कोई बात नहीं, इस इंटरनेशनल सिस्टम समझ ली। दीपक मदेसिया जी, प्रभाकर सिंह जी, अभिनव सिंह भल्ला, जय श्री राम, जय श्री राम। अरे आप सब हमारे शान, आप सब हमारे स्वाभिमान, आप सब हमारे जान, अभी इस गाने के लिए बहुत बहुत बधाई भैया, प्लीज हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट बा, केहू केहू के गाली मत देवे। जिसको आप लोग प्यार करते हैं, जिसको आप लोग देखते हैं, जिसको आप लोग सुनते हैं, सबका बड़ाई करिए, सबको महान बनाइए, सबका प्रशंसा करिए। हर कोई खुश रहे, मस्त रहे, एकदम व्यस्त रहे अपने अपने काम में। रमन अवस्थी भाई, प्रकाश वर्मा जी, अमन श्रीवास्तव जी, विजय कुमार जी, राहुल सिंह ठाकुर, अंकित सिंह, नितिन कुमार, विवेक सिंह जी, शैलेश गुप्ता जी, तो भैया अभी अपन एक ठू शूटिंग करत हैं, जो है फिल्म के नाम है मेरा भारत महान। इसमें हमारे बड़े भैया गोरखपुर के सांसद, बहुत ही नेक दिल इंसान, जेकर नाम है रवि किशन जी। तो रवि किशन जी और आपके भाई पवन सिंह के फिल्म आवता मेरा भारत महान, आप लोग ढेर सारा अपना दुलार प्यार और आशीर्वाद हम दोनों भाइयों पे बनाए रखिए। अब मेहनत करने के लिए तो हम दोनों भाई खड़े हैं सीना अलगा के, जब तक सांस रही तब तक मेहनत करेंगे। बा आप सबके आशीर्वाद ऐसे ही बरसत रहे,
क्योंकि हमारी भूख यही है और कुछ नहीं। तो भाई इतने देर के लाइव में अगर हमसे कोनो भी गलती भइल होके तो हम सबसे माफ़ी चाहते हैं और एडवांस में हम अपना तरफ से अपने भोजपुरिया समाज के, अपने भोजपुरिया परिवार के, भोजपुरिया संसार के हम होली के ढेर सारा शुभकामना दे रहल बानी। होली के ढेर सारा शुभकामना आप सबके, हैप्पी होली, खूब मस्त रही जा, अपनों के गलती माफ़ कर दिया जाए कोनो गलती भइल होके, तो सॉरी माफ़ी चाहता हूँ। जय हिंद, जय भारत।